जय हिंद दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में जो है बायोलॉजी जो सब्जेक्ट आप लोगों का है इसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे सभी का आज हम लोग क्या करेंगे इस ये जो पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज आप लोग को करने वाले हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को फोर्टी क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इस साल दो में रिपीट होने वाला है तो सभी सवाल को एक एक करके देखिएगा आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और मैं दो का आप लोगों को एक वीडियो दे दिया हूँ दो में जितने भी बायोलॉजी

2019 में बहुत सारा सवाल इस साल 2024 में लड़ने वाले हैं एच जी टीज आप लोग का आ जाता है ठीक है झारखंड बोर्ड में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल मिलाकर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो फोर्टी क्वेश्चन है और आप लोगों के पास दो में भी फोर्टी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से काफी सारा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है ठीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर अभी कितने इतने कम समय में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है होना भी जरूरी है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए वहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिया जाता है तो और मैं आपको एक चीज बता दूं अगर आप लोग फिजिक्स वगैरह ये सब तैयारी करना चाहते हैं तो सेकंड चैनल को फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग को मिल जाएगा तो चलिए आप लोग अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग का पेपर है बायोलॉजी का तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इंग्लिश हिंदी दोनों से है ठीक है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है

देखे इसको देखिए यहाँ पर जो घास है घास को, क्या का? घास को जो है गेहूं नहीं खाता है ठीक तो 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 right है घास को बकरी खा लेता है और बकरी को मानव खा लेता है ठीक है तो बिल्कुल आहार श्रृंखला के अंतर्गत आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर टू जो है बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा जिसे आपको याद कर लेना है अब अगला क्वेश्चन देखिए ये तो आप लोग क्लास में आप लोग के बारे में पढ़े होंगे क्या बताया जा रहा है

अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके शरीर में ए, क्या अपेंडिक्स का स्थान कहाँ पर है ठीक है तो अपेंडिक्स क्या आपको समझना पड़ेगा तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए अपेंडिक्स जो है छोटी उंगली के आकार का ठीक है आप लोग स्क्रीन पे छवि भी देख पा रहे होंगे कि अपेंडिक्स क्या है तो अपेंडिक्स जो है अपेंडिक्स छोटी उंगली के आकार की ट्यूब होती है जो बड़ी आंत से उस बिंदु के पास जो है निकलती है जहां जहां जो है यह छोटी आंत से जुड़ती है ठीक है तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कहाँ का स्थान हो जाएगा तो बड़ी आंत यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हमारा ठीक है तो यहां पर समझ में आ गया अगला क्वेश्चन देखिए देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो पे बताया था उसी 2021 के पेपर में भी इसको बताया था क्या बताया जा रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने जो है लिखा था ये जो है किसने लिखा था ठीक है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटर्न बाई ये किन, किसने लिखा था तो ये जो है लिखा था चार्ल्स डारबिन ने इनका ऑप्शन नंबर हमारा टू जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा जिसे आपको याद कर लेना है देखिए बायोलॉजी में कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना होगा ठीक है देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए क्या है स्यूडोपिया ठीक है स्यूडोपिया पाया जाता है तो देखना

करते हैं आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आज भी ग्यारह बजे तक आप लोग का स्टडी करवाया जाएगा ये कोई भी चैनल आपको कराए नहीं करे मुझे नहीं फर्क पड़ता है लेकिन आप लोग बता दे कि आज भी ग्यारह पी तक आप लोग का स्टडी हम करवाएंगे ठीक है समझ में आ गया अब देखिए अगला क्वेश्चन और सेकंड चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया में नियंत्रित होती है तो प्रतिवर्ती क्रिया में नियंत्रित नियंत्रित कौन करती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी एन एस ठीक है सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ठीक है देखिए ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय है नहीं ठीक है अभी आप लोगों को ज्यादातर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ठीक है हम कुछ कुछ जो है एक्सप्लेन जरूर कर रहे हैं देखिए यह क्वेश्चन भी मैंने आपको इस प्रकार के सवाल आपको कराए थे जो हमने खुद एक सेट बनाया था जिसमें मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन बताया था और ट्वेंटी क्वेश्चन बाकी है वो भी मैं पार्ट टू में ला दूंगा ठीक है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मुकुलन होता है तो ये जो है हमारा हाइड्रा में होता है था और जैस और मैं जिस पार्ट में वो क्वेश्चन करा रहा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था ईस्ट बताया था ईस्ट में भी मुकुलन होता है तो दोनों चीज को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा थ्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर देखिए पक्षा क्या है पक्षम्भ पेशी ठीक है ये किस में पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है तो नाइन्टी का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा आंख में पाया जाता है ठीक है आँख में पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर जो पूछा गया देख सकते हैं आप लोग प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जो, जो जो है डैश में होती है किस में होती है ठीक है देखो प्रेस बायोपिया जो कि आंख में होता है यानी का ऑप्शन नंबर हमारा फोर जो है करेक्ट उत्तर होगा अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नाइन्टी टू में पूछा गया कि पुष में पूंज क्या है पुंजन अंग ठीक है तो ये किस में इसमें होता है किसमें होता है तो इस्टा स्टामेन में होता है ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही सही उत्तर हो जाएगा ठीक है इतना याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स बाबू हम बार बार कहना चाहेंगे कि इसको जरूर पढ़ के जाइएगा काफी एग्जाम में मदद आप लोगों को मिलेगा देखिए पूछा जा रहा है कि भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण का एक विशेष उतक की सहायता से मिलता है जिसे क्या कहते हैं जैसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं आप लोग पढ़े होंगे देखिए एनसीआर को डीपली स्टडी कीजिए है ना आप लोगों को बहुत कुछ वहां से डीपली क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि बायो में यही होता है डीपली को अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे लेकिन मैं आप लोग को जितना करा दे रहा हूँ अभी इतना वक्त नहीं है एनसीआईआर पढ़ने का अभी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइए एग्जाम का में काफी क्वेश्चन जो इसमें इसमें से पूछा जाएगा ठीक है चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है तो पाचन के बाद दोस्तों जो हमारा प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है तो हमारा अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या यहां पर देख सकते हैं आप लोग पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट ठीक है इसके चलते यहां पर जो पत्ती का रंग होता है हरा होता है अगला क्वेश्चन क्या है बांस देखिए इसके बारे में मैंने एक किसके पेपर में बताया था बांस क्या है दैत्यकार उष्णक कटिबंधी घास है ये दो में डायरेक्टली पूछा जाएगा

अब देखिए ये भी सवाल मैंने आपको कराया था क्या बताया था कि रिकेट्स बीमारी का कारण क्या है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कारण से जो है रिकेट जो है बीमारी होता है ठीक है ऑप्शन ए जो है आप लोग के पास जो दिया गया विटामिन ए तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा कि विटामिन ए के कमी से क्या होता है और आपको बता देते हैं कि विटामिन सी कमी से जो है इसका भी रोग होता है ठीक है तो विटामिन ए के कमी से क्या होता है नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पर पूछा गया कि पेचिस तथा क्या है इंसुलिन इंसुलंजा होने का कारण क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो जो पूछ

अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन पादा हार्मन नहीं है देखिए इस पर गौर कीजिएगा कि कौन पादा फार्मन नहीं है इसकी बात कर रहा है कौन नहीं है यहां पर कौन नहीं होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंसुलिन इंसुलिन हमारा नहीं है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन पाइपो एक में क्या बताया जा रहा है कि आवृत विजय प्रजनन की इकाई क्या है तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा तो एक सौ एक का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुष्प ठीक है ये आपको याद करना पड़ेगा सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है अब अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है देखिए आर यू

देखिए 108 में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मन जो है उत्तरदायी है तो ये 108 का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इथाइलिन ऑप्शन नंबर थ्री जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर फटाफट से हम लोग कर रहे हैं ज्यादा आपको समझा नहीं रहे हैं क्या है कि बायोफाइटा में मादा जनन अंग कहाल आता है ये क्या कहलाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आरची गो नियम ठीक है ये आपका पास राइट आंसर होगा अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए काफी कुछ इलेवन से भी दे दिया गया है ठीक है तो ये चीज़ को याद रखते हुए आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए क्या है कि बी नाइट्रीकरण डैश द्वारा किया जाता है तो देखिए बी नाइट्रीकरण जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडो मोनस मोनस ठीक है ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अदरक जो है रूपांतरित है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा तब तो बताइए कि हम जो फिक्स आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है तो इसका राइट उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा तना तना में है ठीक है तो ये रूपांतरित हुआ था तना से ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए एक सौ बारह जो है क्या पूछेगा कि डम्बलकार द्वारा कोशिकाएं पाई जाती हैं तो डम्बलाकार द्वारा कोशिका जो है किस में पाया जाता है तो ये हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा एक बीज पात्री ए, जो है क्या है पात्री पति में ठीक है अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में होता है तो ये जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूरिया अम्ल एवं यूरिक अम्ल एंड यूरिया ठीक है ऑप्शन नंबर टू जो है सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन

देखिए क्या अगला क्वेश्चन की बसा का सबसे साधारण रूप रूप जो है क्या है तो बसा का सबसे साधारण रूप की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसी उम्ल ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन देखिए कि डी एन ए आर आ, आ, जो है डी एन ए और आर एन ए जो है किसके कारण भिन्न है ठीक है इसका कौन सा कारण है जो कि ये दोनों क्या है भिन्न एक दूसरे से तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा थाइमिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट उत्तर होगा और नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए कि डी और आर का पूरा नाम क्या है तो जल्द आप लोगों से मिलते हैं दो के पी के साथ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक यू जैन बंदे मातरम